अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली खकान, अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रिसेंट 30 को। प्रिसेंट 30 बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आता है, 250 स्क्वायर यार्ड के यहां पे प्लॉट्स आए, और प्रिसेंट 30 ओल्ड बुकिंग में कंसीडर होता है। इसकी बुकिंग आई थी 28,50,000 की, और इस टाइम पर इसकी प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर तकरीबन यहाँ पर 32-33 लाख से आपको ऑनवर्ड्स प्लॉट मिलना स्टार्ट होते हैं, और ऑनवर्ड्स हो जाते हैं 55 लाख तक, डिपेंड ऑन लोकेशन। इस टाइम पे तकरीबन 2 घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 1 घर बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है। मेरी स्क्रीन के ऊपर आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, घर 100% कंप्लीट है और लिविंग अभी स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन उम्मीद है कि जल्द हो जाएगी। बाकी 2 से 3 और घर बनना स्टार्ट होंगे सून। 5 से 6 घर टोटल यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं इसको। बड़ा अच्छा प्रीसेंट है 250 के यार्ड का। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आपको प्रीसेंट मेन जिना के ऊपर आते हुए सबसे पहला प्रीसेंट 250 के यार्ड का मिलता है प्रीसेंट 16, और प्रीसेंट 16 के अंदर आपको तकरीबन मिनिमम आपको 55 लाख का प्लॉट मिलना स्टार्ट होता है प्रीसेंट 16 में, और ऑनवर्ड 75 लाख तक के जनरल प्लॉट्स आपको मिलते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें प्रीसेंट 16 के बाद कोई अच्छा प्रीसेंट है 250 के यार्ड का मेन जिना पे, जो कि बिल्कुल लेवल का प्रीसेंट हो जिसमें आपकी ज़्यादा डिप्रेशन ना हो कोई भी प्लॉट्स में किसी भी चीज़ में, तो वो आपको मिलते हैं प्रीसेंट 30 के अंदर। 250 के यार्ड में प्रीसेंट 1 की, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8 की तरह इसमें भी सेम एज इट इज़ आपको ग्राउंड प्लस 1 की इजाज़त है, और अगर आपका प्लॉट थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में हो कोई 8 से 10 फुट ज़्यादा गहरा हो उसमें आपको बेसमेंट के अलाउ करता है बहरिया, वो आप बेसमेंट बना सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, आप बनाना चाहें बनाएं, नहीं बनाना चाहते तो आप उसको कवर कर सकते हैं। प्रीसेंट 30 के साथ प्रीसेंट 31 है, और प्रीसेंट 31 के अंदर 235 गज के वेलाज हैं जिसमें तकरीबन इस टाइम पे 50+ फैमिलीज आ चुकी हुई हैं, और वो अच्छा खासा आबाद होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, और इससे ज़्यादा बल्कि फैमिलीज आ रही हैं जैसे जैसे चाबियाँ मिल रही हैं लोगों को, और लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ था पोजेशन के लिए, जैसे ही उनके हैंडओवर हो रहा है पोजेशन, लोग शिफ्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। तो उम्मीद है कि जैसे ही प्रीसेंट 30 में भी घर बनना स्टार्ट होंगे तो प्रीसेंट 30 में भी अच्छी जल्दी आबादी आ जाएगी, और बहरे की तरफ से तो हर प्लॉट को प्रीसेंट को पोजेशन दे दिया गया हुआ है, वो भी क्लाइंट की तरफ से थोड़ी बहुत देरी है, जब भी वो घर बनाना स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशनल हो जाएंगी। कुछ हिस्सा प्रीसेंट 30 का ऑफ ग्राउंड है, कुछ लास्ट की जो लेफ्ट वाली साइड आती है तकरीबन, वो भी बहरिया की सारी मशीनें लगी हुई हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उन पे भी काम चल रहा था, वो सारी की सारी स्ट्रीट्स बहरिया वाले ऑन ग्राउंड कर रहे थे। और अगर आप उन्हीं प्लॉट्स की स्टेटमेंट भी निकाल के देखें तो आपको सेफ दिखाते हैं, उधर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। घर बनाने के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोनों लिहाज से आपके बजट को देखते हुए आप इस प्रीसेंट में अगर फॉल करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए प्लॉट, और फ्यूचरली सारे का सारा बहरिया ओवरऑल जब से पेंडेमिक के बाद अभी तक जो ग्राफ चल रहा है बहरटन कराची का, वो ओवरऑल पॉजिटिव ही है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बेशक आप वो उसको कंसीडर कर लें एज अ प्राइवेट बिल्डर में, अगर आप बात करें तो अभी तक उसके भी रेट सारे के सारे ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, और हर प्रीसेंट का अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी वो उसमें तकरीबन 3-3, 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन का डिफरेंस आ चुका हुआ है। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अमीर आदमी की टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।